जी मेरी जान, क्या व्यू है भाई। चढ़ाई देख रहे हो कितनी भयंकर है, पूरी रेस दे रखी है फिर भी बाइक नहीं चढ़ पा रही है। अरे हाय शिमला की खूबसूरती, कहां से कहां आ गए। बर्फ पड़ी हुई है और अभी भी स्नोफॉल हो रही है और मेरी बाइक ने कर दिया मेरी जान। बेटे सभी भाई और बहनों को जय श्री राम, हर हर महादेव। नए दिन और नए सफर में आप सभी का स्वागत है। अभी फिलहाल अपना स्पीति वैली की राइड का आज मेरे को सेकंड डे है। कल रात हम लोग आ चुके थे शिमला में और शिमला में एक हमें प्रॉपर्टी मिली है, जिस होटल में हम रुके हुए हैं ना, ये सेवन हिल्स करके नाम है इसका। काफी अच्छी प्रॉपर्टी है, अगर कभी भी आप लोगों को आना हो तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। मेरे को मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, काफी अच्छा लगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं आपको रूम का एक बार व्यू देता हूँ। और भाई अभी फिलहाल थोड़ा सामान वामान ऐसी हो गया था ना भाई, खराब हो रहा पूरा सिस्टम, ऐसी चक्का जाम हो रखा है क्योंकि हमने पूरे में सामान वामान फैला रखा है। तो रूम की हालत कुछ इस तरह सी है। एक रूम यहाँ आपको मिल जाएगा और यहाँ आप बैठ के अपना यहाँ जो नज़ारे हैं उनको आप इंजॉय कर सकते हो। नज़ारे देखो, ये देखो भाई, मेरा कैमरा दिख रहा है भाई इसमें, तो ये देखो नज़ारे यहाँ से हैं। देन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लेटरिन बाथरूम कंबाइन है, तो ये देखो भाई यहाँ से ये चेक कर सकते हो आप। यहाँ मतलब काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, पूरा गीजर वगैरह सब कुछ चीज की व्यवस्था है। और बाकी मैं भी आपको दिखाता हूँ कि शिमला में ना जो फैन होते हैं, फैन बहुत कम होते हैं। लाइक जैसे आप चेक कर सकते हो, खाली ये आपको इधर मिलेगा और इधर कोई फैन नहीं है, ना ही कोई एसी वगैरह कुछ होते हैं, क्योंकि जो यहाँ का टेम्परेचर है ना वही भाई माशाल्लाह कसम से बड़ा ही बेहतरीन होता है, तो काफी देख के उसको अच्छा लगता है। और अभी फिलहाल मैं आपको हल्का सा बाहर निकल के एक व्यू चेक कराता हूँ। ये देखिए भाई, जिसके लिए दुनिया पागल है ना वो आपको यहाँ मिलेगा। ये चेक करो भाई व्यू, नज़ारे है कि नहीं है नज़ारे, ये देखो मतलब काफ़ी भयंकर सिस्टम है। यहाँ से पूरा का पूरा शिमला आपको दिखता है और डायरेक्ट यहाँ से जब आप निकलोगे तो सीधा अपने रूम में आ जाओगे। तो मेरा जो भी भाई देख रहा है, जो भी बहन देख रही है, जो भी अंकल देख रहे हैं, जो भी आंटी देख रही है, जिसको भी आना हो वो जरूर आए शिमला आकर के सेवन हिल्स होटल में, कॉन्टैक्ट कर लें। मैं इसकी जो लोकेशन है जो भी कुछ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल हमें 12 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं होटल से अब आए के लिए। आज देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं। अभी प्लान हमारा नारकंडा या फिर उससे आगे जाने तक का, अभी फिलहाल जैसे जैसे होगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से हम करते हैं चेकआउट और अपना जितना भी सामान है, जितना भी हमारा लगेज है, उसको करते हैं बाइक पे लोड। चलो भाई चलो 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 चलो, तार लगा दो। कल भी हम लेट ही गए थे। मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। पुलाव, क्या बोलते हैं इसको, पोहा। पोहा, अच्छा पोहा, हाँ हाँ पोहा। अंडे तो आप खाओ गुरु। अंडे तो आपके लिए हैं, अंडे अंडे नहीं खाता मैं, बाकी ये चलेगा बढ़िया करके। राजमा, ये चने, तो ये किसके साथ खाने पड़ेंगे? पूरी गर्मा गर्मा आएगी। अच्छा पूरी आएगी अभी, चलो ये सही है। अभी मैं आपको ना बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, ब्रेकफास्ट तो करेंगे अभी थोड़ी देर में। बाकी एक बार बाहर का व्यू चेक करो भाई, अल्टीमेट व्यू है भाई कसम से, एक नंबर व्यू। ये चेक करो भाई, पूरा का पूरा यहाँ से शिमला दिख रहा है। मेरी जान क्या जन्नत है यार भाई, यहाँ से रील वील बनेगी बहुत तगड़ी। ये देखो भाई जी मेरी जान, क्या व्यू है, पूरा का पूरा शिमला दिख रहा है यहाँ से, खतरनाक व्यू है। और पूरे के पूरे यहाँ पे होटल ही है इस लाइन में, लेकिन अभी हम जिस होटल में रुके हुए थे ना भाई, ये होटल काफी अच्छा है, काफी बेस्ट होटल है ये। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, एक नंबर व्यू है। और खाना पीना भी भाई यहाँ का काफी ज्यादा अच्छा है। इस होटल के बारे में आपको पूरी डिटेल दे करके जाऊंगा मैं। अभी फिलहाल थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। भाई जी खा रहे हैं अंडे अंडे, और भाई हम खाएंगे नहीं भाई, मैंने सब त्याग दिया। पहले ऐसा था, पहले तो ये था कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, फिर पता नहीं क्यों एक दिन ऐसी मेरी भावनाएं से जगी। नॉनवेज खाते थे? नॉनवेज भी खाता था, वो होटल मैनेजमेंट किया, नॉनवेज वगैरह ये सब तो काटते भी थे खाते भी थे, लेकिन फिर पता नहीं एक साथ ही कुछ ऐसे ही हो गया, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। सो फिलहाल भाई अपनी जो है चाय ले लिए मस्त, और अपना छोले ले लिए हैं, और ये आ चुके हैं क्या बोलते हैं इसको, पूड़ी। पूड़ी ये भटूरे टाइप के से होते हैं हमारे साइड में तो ऐसे, ये भटूरे हैं कि पूड़ी हैं? भटूरे ही, अच्छा भटूरे हैं ना, हाँ अच्छा पूड़ी बोलते हैं यहाँ पे। तो भाई ये अपने पास में ये आ चुका है पोहा। तो भाई आप कहाँ से हो? कुल्लू से। आप कुल्लू से हो? अरे मेरी जान बढ़िया है। यहाँ बर्फ पड़ी थी क्या शिमला में?
एक मंथ पहले पड़ी थी, अब कुछ नहीं है। बाकी स्पीति जैसे जा रहे हैं उधर बर्फ होगी? तो बर्फ होगी, बर्फ हो गया है। चलो भाई उसी के लिए जा रहे हैं हम लोग। कहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे? पहुँच पाएंगे भाई, पहुँच जाएंगे। फिलहाल भाई अभी अपना जो है हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है, अभी हम लोग निकलने यहाँ से आए के लिए। उससे पहले अपनी बाइक का जो है इंजन ऑयल एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ पे। तो चाहे बड़ी बाइक हो चाहे आपके पास में छोटी बाइक हो, एक बार हमेशा राइड स्टार्ट करने से पहले इंजन ऑयल जरूर चेक करो। अगर वो कम हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी काफी ज्यादा। तो इसलिए सबसे पहले इसका जो है इंजन ऑयल चेक करते हैं। इंजन ऑयल आप तो सर्विस कराओगे? चलो भाई, भाई तो सर्विस कराएंगे तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। तो भाई फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं सफर में। ये होटल था, काफी अच्छा स्टे रहा अपना। चलते हैं भाई, चलें यार। मेरी बाइक तो अभी से ही थोड़ा वैसे करने लगी, बंद हो जा रही है बार बार। थोड़ा सा रेस बढ़वानी पड़ेगी इसकी। तो भाई अपना आगे बढ़ते हैं। अभी मेरी बाइक ना अभी से थोड़ा दिक्कत करने लगी है, इसकी हल्की सी ना रेस बढ़वानी पड़ेगी, क्योंकि ठंड है ना यहाँ पे काफी ज्यादा। तो इस वजह से बार बार जो है दिक्कत कर रही है, बंद हो जा रही है। अभी यहीं ये हाल है, तो आगे पता नहीं क्या होगा यार। बस कोई दिक्कत ना हो यार, कसम से बताते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलो खैर कोई नहीं, देखा जाएगा। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अपना आई की तरफ। मैंने जब जब प्रभु का नाम लिया है, जब जब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मस्त करके जाता हूँ। तो बोलो हर हर महादेव, जय श्री राम। ये चेक करो भाई व्यू, कल रात हो गई थी हमको आने में, जब तो हम व्यू चेक नहीं कर पाए, लेकिन भाई अल्टीमेट व्यू है पूरे में, देखो। अरे 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 ठंडी सी हो गई। कितने बज रहे हैं? ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ 2 बजने वाले हैं। 1:30 बजे चल रहे हैं हम लोग, 1:44 पे, और ठंड हो गई देख लो अभी से। सूरज चला गया भाई, सूरज चला गया। पहले तो भी थोड़ी गर्माहट सी थी, लेकिन अब तो वो भी गया। हर हर महादेव, महादेव का नाम लेते रहो, कुछ ना होने का भाई। मस्त जाएंगे, मस्त आएंगे। लेकिन ये भाई ठंड, जब ही धूप गई, अभी अपने को जाना है 62 किलोमीटर। आज अपने को 62 किलोमीटर का जो सफर है वो कंप्लीट करना है। वहीं जाकर के अपना मस्त करेंगे कैंपिंग, क्योंकि इसके बाद में अब उम्मीद नहीं है आगे होटल्स वगैरह की। अरे चाचा, अरे चाचा, ये देखो भाई जो मॉल रोड है ना, मॉल रोड से हम लोग ना 4-5 किलोमीटर ही बस इधर आके रुके रुके हुए हैं होटल से, क्योंकि यहाँ से व्यू काफी अच्छा दिखता है ना, और उस साइड में मॉल रोड वगैरह सब वहाँ पर है। तो यहाँ से अपना कभी स्टे करो और सीधा ऐसा करके निकल जाओ यहाँ से, बहुत बढ़िया है भाई। हाँ, अब मेरे को लग रहा है मेरे को ना अभी अपने सॉक्स वगैरह भी चेंज करने पड़ेंगे। एक आध जोड़ी सॉक्स और डालूंगा डबल डबल करके, क्योंकि अब ठंड लगने लगी है काफ़ी ज़्यादा। ये देखो भाई आगे अपने मेन रोड पर। भाई चढ़ाई देख रहे हो कितनी भयंकर है, पूरी रेस दे रखी है फिर भी बाइक नहीं चढ़ पा रही है, इतना लोड ले रही है। ये देखो कितने ऊपर है भाई। ओ बंद मत हो, 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 चलती रहे, चलती रहे, चल 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 चल। भाई इसका एयर फिल्टर निकालना पड़ेगा मुझे। चल 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 चल। भाई की स्प्लेंडर तो भाई नई है, मेरी तो बहुत पुरानी है, बुढ़ापे में है ये तो। भाई तो निकल गया आगे भाई। चल मेरी जान, तू भी हार मत माने। शाबाश, चढ़ गई, कर गई काम, कर गई कर गई कर गई कर गई काम। तू भी यूपी तेरे की है। चल मेरी जान, मेरे चीते। नीचे टनल है ना, उससे ले लो लेफ्ट। भाई यहाँ तो अभी से बुरा हाल हो गया, जान निकल गई बाइक की चढ़ रहे हुए। मेरे को इसका थोड़ा सा ना ऑयल करवाना पड़ेगा, इसकी रेस वगैरह की सेटिंग। तुम्हारे तो नहीं है फिर भी झटका झेल रही है भाई। राधे राधे, अरे हाय शिमला की खूबसूरती भाई, शिमला की बात ही कुछ अलग है यार। व्यू चेक करो, खतरनाक व्यू है,
माँ कसम अल्टीमेट ही है, बिल्कुल एकदम जहर है जहर। बुलंदशहर के विधायक जी से कहनी पड़ेगी, अपने बुलंदशहर में भी करवाओ ऐसा सिस्टम, नहीं तो बात नहीं बनेगी भाई ऐसे। चलो 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 ए बेटे, पूरी रेस दे रखी है। चल 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 चल, फिर आ गई फिर आ गई। पहले ये चढ़ जा भाई, पूरी जान निकल जाती है बाइक की कसम से। ओ मेरी जान, डेविल भाई जन्नत देख रहे हो? हाँ? जन्नत देख रहे हो? कहाँ से कहाँ आ गए? वो ऐसा था घूम घूम के आए भाई हैं? लेकिन देख लो पूरा रूट है वहां से लेके यहाँ तक आने का। हम लोग किधर से आए थे? उधर से आए थे, हम लोग दूसरे रूट से आए थे। ये पता नहीं अब किधर से आए थे आ गए बस। हाँ रास्ता एकदम नीचे जाके है पूरा। लेकिन इस व्यू तक पहुंचने के लिए हमें बताएं, बहुत मेहनत लगी है भाई, बहुत मेहनत लगी है। वो भी छोटी बाइकों को लेके, वो भी 100 भी नहीं है, 97 cc। कल बेचारी का ट्यूब फट गया, हाँ चक्का मार के ले जानी पड़ी। वही है भैया, चक्का जाम है। चलो बढ़ते हैं आगे। मैं कह रहा सर्विस यहाँ नहीं, सर्विस कराएंगे नारकंडा में, वहाँ दुकान है, ठीक है ना, उधर करा लेंगे। अभी आज थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, कल थोड़ा जल्दी निकल के करेंगे, ठीक है। और अभी इतना कोई लोड नहीं है, आराम चली जाएगी, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऑयल चेक कर लेंगे, ऑयल नारकंडा में कर लेंगे। कोई नहीं मिलेगा तो अपने आप ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। आओ अब तो सर्विस सर्विस सब कुछ करनी आ गई है अपने आप ही। ओहो मैं ये कह रहा था, यहाँ पे वो लिखा हुआ है आई लव कुफरी, फोटो खींच लेते हैं एक। ये लिख रहा आई लव कुफरी, एक फोटो हो जाए, क्लिक कर लो। तो इधर आओ, बाइक से ही आ जाओ, ऐसे ही आओ। सो फाइनली भाई अभी हम लोग आ चुके हैं कुफरी में, और हम लोगों को यहीं से बर्फ मिलनी स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है अभी फिलहाल। ये चेक करो भाई, यहाँ पे पूरे में पुरानी बर्फ पड़ी हुई है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे एक हफ्ते पहले ये बर्फ पड़ी थी, और हाथ एकदम ऐसे हो रहे हैं, जमते जा रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, और पैरों में भी काफी ज्यादा ठंड लग रही है। और ये देखो भाई यहाँ पे पूरे में ना इस तरह से कीचड़ भी है। बाकी यहाँ रोड तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ रोड नहीं होगा ना, वहाँ इस तरह से अपने को कीचड़ मिलेगी। तो भाई सिस्टम हैंग होने वाला है, मजा आ जाएगा भाई। देखो ये पड़ी हुई है बर्फ। तो भाई चलो अपना आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जहाँ रुकेंगे ना, रात हमने टेम्परेचर चेक करा था, -6 था, -6 तक का था। जहाँ हम रुकेंगे ना, नारकंडा करके जगह पड़ती है, शिमला से 64 किलोमीटर है। पता नहीं भाई क्या होगा, शेयर कर दो। हर हर महादेव। तो फिलहाल भाई अभी आप लोग ये चेक करो, देखो यहीं से अभी बर्फ मिल दी अपने को स्टार्ट हो चुकी है, और पूरे में यहाँ से बर्फ पड़े। अब जितने जितने हम ऊपर जाते जाएंगे ना, उतना ही हमें बर्फ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हमने पूछा था होटल में, तो कह रहे थे कि एक हफ्ते पहले यहाँ पे बर्फ पड़ी थी, और यार कसम से बड़ा बुरा हाल है। और अब तो सांस भी थोड़ा ऐसे ना अपने आप ही फूलना स्टार्ट हो गया है, और दूसरा कान भी एकदम सुन्न हो गए हैं, कानों में कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी जल्दी जो है डिस्चार्ज होने लगा है, तो मैंने इसको पावर बैंक में कनेक्ट करा है, ताकि थोड़ा फ़ोन जो है कंटिन्यूसली चार्ज होता रहेगा और हीट बनी रहेगी फ़ोन के अंदर। भाई इधर ठंड है, ये तो जम गया 2 मिनट में यार, एक हाथ खोलना पड़ता है ना फोन चलाने के लिए, जम गया ये। सो फाइनली भाई अभी तो हम स्पीति वैली भी नहीं पहुंचे हैं, ना ही हम नारकंडा पहुंचे हैं, यहाँ पे स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है पूरे के पूरे कपड़ों पे। देखो भाई मेरी जान, अलग ही मजा भाई, पूरे में स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है, मजा आ जाएगा माँ कसम, चक्का जाम कर देंगे। हर हर महादेव। मेरे हाथों में बहुत ठंड लग रही है, पैरों में भी लग रही है भाई। तो भाई फिलहाल जो है अभी जहाँ पहुंचने वाले हैं ना, जो हमारी आज की डेस्टिनेशन थी, बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, उससे पहले कुछ मैगी वगैरह कुछ खाने पीने की चीजें ले लेते, ताकि रात वगैरह में कहीं पर दिक्कत ना हो। बाकी जो अपनी बाइक उस साइड में खड़ी है, और अभी आपने देख लिया पीछे स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई थी,
और ठंड लग रही है अभी काफी भयंकर वाली। अंकल जी नमस्ते, आप ही की दुकान है अंकल जी? नहीं है, मैं तो आपकी तरह कहा। अच्छा है नहीं कोई यहाँ? पता नहीं है ही नहीं कोई यहाँ पे। हम लोग भी आए हुए हैं, फिलहाल मैगी सामने रखी है, मैगी लेंगे, प्याज लेंगे, थोड़े से आलू लेंगे और केले लेंगे, केले डालेंगे मैगी में। मैगी में केले? मेरे भाई यार, केले तो यहाँ वैसे ही ना खाएं क्योंकि ठंडा आइटम है ना, नुकसान करेगा और ज्यादा। बाकी मम्मी वाली लैंग्वेज में बताऊं तो सर्दी बैठा लेगा। हाँ सर्दी बैठा देगा भाई, सर्दी में तो बिल्कुल नहीं खाएं चाहिए, जबकि यहाँ बर्फ पड़ रही हो तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे लग रही है पैरों में ठंड बहुत ज्यादा, तो भाई तो जूते थोड़े भी सही है फिर भी। तो भाई अभी फिलहाल 6 मैगी ले रहे हैं तेरी भाई। अभी फिलहाल हम लोगों ने सामान ले लिया है, काफी सारा सामान ले लिया, मैगी ले ली है और अपना आलू टमाटर प्याज सब ले लिए, और भाई गिलास भी ले लिए हैं क्योंकि हमारे पास में गिलास के लिए पैसे नहीं थे ना, इधर उधर से पैसे लिए हैं गिलास के लिए, और आज जो है हमने गिलास भी ले लिए हैं। देखो है भाई, भाई के पास में भी गिलास नहीं था, हमारे पास में गिलास नहीं है, लेकिन अब हमने गिलास खरीदा, अब हमने गिलास ले लिए। ठीक है भाई, भाई चलते आगे हैं, यहाँ से ज्यादा नहीं है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको कहाँ रखेंगे? थोड़ा सामान तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं कर। भाई ये देखो बर्फ पड़ रही है, चक्का जाम हो गया। ये देखो भाई पूरे में बर्फ पड़ी हुई है और अभी भी स्नोफॉल हो रही है, और मेरी बाइक ने कर दिखा मेरी जान। अभी तो भाई बहुत दूर जाना बाकी है, अभी तो ये स्टार्टिंग है नारकंडा में ही, ज्यादा नहीं, हम लोग शिमला से अभी 50-60 किलोमीटर दूर ही आए हैं और अभी से स्नोफॉल होनी स्टार्ट हो गई है, बर्फ मिलनी स्टार्ट हो गई है, और स्पीति वैली में तो क्या ही होगा भाई, चक्का जाम कर देंगे। अभी फिलहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अपनी जगह देखेंगे, वहां पर कैंपिंग करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से बात करेंगे। बाकी बर्फ हर हर महादेव। ये देखो भाई लोग, चक्का जाम हो गया, पूरे में बर्फ ही बर्फ पड़ रही है भयंकर करके, सफेदी सफेद पूरे में। ये बेटे चल मेरी जान, बेटे सो फाइनली भाई अभी हम लोग रुक चुके हैं जहाँ पर हमें स्टे करना था आज का, हम वहाँ पे पहुंच चुके हैं। जब मैं पिछली बार लद्दाख गया था ना, तो मैं इसी जगह पर मैंने कैंपिंग टेंट लगाया था अपना, जब मैं अकेला था, अभी मेरे साथ में भाई हैं, और ये काफी अच्छी जगह है जो नारकंडा पड़ता है, नारकंडा इस साइड में है शिमला, और यहाँ आकर के भाई मैंने पिछली बार कैंप लगाया था, और जस्ट सामने वाले घर से मैंने पानी लिया था, तो सेम इस बार भी मैंने जो है सामने वाले घर से ही पानी लिया है अपना खाना पीना बनाने के लिए, पूरा सामान हम लोगों ने ले लिया है, और ठंड तो बहुत भयंकर हो रही है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर अभी आराम है क्योंकि ये थोड़ा नीचे आकर के है, और अभी जैसे जैसे यहाँ से थोड़ा नीचे जाएंगे तो गर्मी सी होगी, फिर ऐसे करके दोबारा ऊपर जाएंगे तो फिर दोबारा से सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। अभी फिलहाल हम लोग लगा रहे हैं कैंपिंग टेंट जो कि है 3 पर्सन का, और ये कैंपिंग टेंट है अपने डेविल भाई का, क्योंकि भाई से मैंने कह दिया था, मैंने कहा जो भी आपके पास कैंपिंग टेंट हो वो ले आना, तो 3 पर्सन वाला क्या है थोड़ा सही रहता है, उसके अंदर लगेज वगैरह भी आ जाएगा और अपने को दिक्कत भी नहीं होगी, और एक कैंपिंग टेंट में सोएंगे तो थोड़ी गर्माहट भी बनी रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फिलहाल भाई अभी हम लोगों ने कैंपिंग टेंट भी लगा लिया है, और अभी जो है मैं थोड़ा व्लॉग एडिट वगैरह कर रहा था, इतनी अपनी बन चुकी है मैगी। तो भाई ये कुछ मैगी है इस तरह से, और ये छोटा वाला स्टोव है इस पे बनाया, ये वाला स्टोव जो है भाई का है जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आगे भी, और जो मेरा बड़ा वाला सिलेंडर है वो भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, जैसे सपोज करो जहाँ पर ज़्यादा ठंड होगी हम उसको वहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। बाकी फिलहाल कुछ कैंपिंग टेंट इस तरह से लग रहा है, पूरा का पूरा सामान फैला पड़ा है यहाँ पे, और अभी जो है मैगी खाते हैं, देन उसके बाद में बनाएंगे हम लोग दाल चावल बनाएंगे, दाल भी लेके आए थे हम, सारी चीजें लेके आए हैं भाई साथ में, बाकी फिलहाल मैगी चेक करते हैं कैसी, आज फुल कुकिंग होगी भाई, फुल उधम होगा एकदम। सही बनी है ना? सही बनी है, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाई आज, क्योंकि मैं व्लॉग एडिट करने में लगा हुआ था, मेरा व्लॉग का थोड़ा दिक्कत हो गया, मजा आ गया बहुत बढ़िया। तो भाई अभी फिलहाल मैगी खाने के बाद में अभी बना ली है अपने दाल, तो ये दाल है अपना, इसमें जो है दाल बन जाएगी दाल फ्राई, और मस्त इसमें जो है थोड़ा से जो है चावल बनाए जाएंगे बढ़िया करके, और बाकी सामान कुछ इस तरह से फैल चुका है पूरा का पूरा कैंपिंग टेंट के अंदर। लेकिन ये कि ये वाला कैंपिंग टेंट जो है थोड़ा सा बड़ा है, ये 3 पर्सन वाला है, तो इसलिए इसमें आराम से हम लोग रह भी सकते हैं और खाना भी बना सकते हैं, बट मेरा वाला जो है वो 2 पर्सन का है, तो थोड़ा छोटा रहता है,
इसलिए भाई मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि 2% वाला मत लो, थोड़ा ही 500-600 रुपए का फर्क है। पहले मेरे को इतना आइडिया नहीं था तो मेरे को वो ले लिया, बट ये वाला कैंपिंग टेंट काफी ज्यादा अच्छा है, इसमें काफी सारा स्पेस है। ये देखो बाकी जो है फिलहाल दाल बन जाए, उसके बाद में चावल बन जाए, फिर एक बार चेक करते हैं कैसे बने हैं और फिर उसके बाद आपको बाहर का व्यू चेक कराता हूँ, बाहर कैसी व्यवस्था हो रही है। भाई बनाने की प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। इधर देखो दाल डाल दी गई है, दाल को धोया जा रहा है। बाकी अभी मेरे को काम मिला है प्याज और टमाटर काटने का, तो इनको काटते हैं, उसके बाद दाल बनाने के बाद बनाएंगे चावल। निकाल के इसको कर दो, पानी दे दो। पानी निकालना है, छलनी से निकाल दूं? नहीं नहीं ऐसे रखो, ऐसे निकालो, दिखाते हैं निकालो। तो भाई दाल फ्राई के लिए अभी टमाटर और प्याज काट के डाला गया और अभी मिर्च मसाला सब कुछ डाल दिया गया है। कौन सी दाल बना रहे हैं आज हम? नाम तो मेरे को नहीं पता इसका, दाल क्या है भाई? दाल का नाम नहीं पता, हमने उन अंकल से कहा था कि जो दाल सबसे पहले बन जाए ना, जो जल्दी बन जाए, बता देना भाई कोई कमेंट में यार कौन ये वाली दाल है। शायद मलका बोली थी उनने, भाई कमेंट में बताना अगर किसी को पता हो तो। ये पिंक वाली दाल है, मुझे तो याद है यहाँ तक उन्होंने मलका बोली थी। सो भाई हमारे दाल चावल भी बन चुके हैं और कुछ इस तरह से प्रक्रिया है, खा रहे हैं। बाकी कैसे बने हुए हैं दाल चेक करो। बढ़िया भाई, दाल बढ़िया बनी है, सही है, पक्का सही है कि ऐसी मजे में बोल रहे हो? बढ़िया बनी है ना। तो भाई अपना दाल चावल बन चुके हैं, बढ़िया है। और बाकी जो इसका सिलेंडर था ये हो चुका है खत्म, तो कल से जो है अपना बड़ा वाला सिलेंडर है वही चलेगा दबा के और उसी को यूज करेंगे। और कल हम सोच रहे हैं जब आगे कल निकलेंगे ना तो कहीं ना कहीं उसमें गैस भरवा लेंगे, वो काफी ज्यादा काम आएगा। चाय मैगी के लिए बस। हाँ चाय और मैगी नॉर्मल इससे काम कर सकते हो बस, बाकी खाने वाने के लिए नहीं है ये भाई। अभी मैं निकला था ना, जब मैंने राइड स्टार्ट की थी तो मैंने सागर से आगे की साइड में उसमें गैस भरवाई थी, अपना जो सिलेंडर था मेरे को एक भाई ने दिया था ये सिलेंडर, तो इसमें मैंने 3 किलो के आसपास में गैस भरवाई थी। और अभी ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ और अभी तक उसमें गैस बची हुई है, अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और बाकी कल देखेंगे पता चले ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है, और बाकी एक बार आगे जाके भरवा ज़रूर लेंगे, क्योंकि अगर रात में कहीं ठंड लगती है तो जैसे पहले मैंने लद्दाख में किया था ना कि उसको चला के पूरी रात छोड़ देता था मैं और मेरा पूरा कैंप जो है एकदम हीटर की तरह मस्त हो जाता था। ये तो 80-90 रुपए का पड़ता है शायद, एक 80-90 रुपए का है, महंगा पड़ता है। ये वाली गैस तो बहुत महंगी है, महंगी है ना। हाँ वो तो 80-90 रुपए में तो वो तो कम से कम 1 kg गैस आएगी भाई इसमें। ये देखो ये इसमें 220 ग्राम के आसपास में, 225 ग्राम, बट ये की इमरजेंसी के हिसाब से सही है, इसको छोटे से उसमें रख लो बस, है ना। हाँ बस वही है, मतलब की अगर सपोज करो कि अगर आपका बजट ज्यादा है, आप अच्छे ट्रैवलर बन चुके हो और आपके पास में इनकम भी अच्छी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आप ये छोटे वाले ले सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे कहीं बीच में रुक गए तो कॉफी बना ली, मैगी बना ली, बस उसके लिए। अगर बाकी आप अगर न्यू ट्रैवलर हो और आप बजट फ्रेंडली कर रहे हो ना सारी चीजें, तो भाई उसको रखो, वो सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है अपने लिए। हो जाएगी थोड़ा सा ना ऊपर को करके और इस साइड को करके लगा दो। सो भाई अभी चेक कर सकते हो आप, ये देखो कैंपिंग टेंट कहाँ पर लगाया हुआ है, पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है भाई। ये देखो कोई भी नहीं है, जस्ट सामने एक घर है, देन उसके बाद में आपको जो छोटी छोटी ये लाइट दिख रही है ना, ये बहुत दूर जाके यार, वो भी पहाड़ों पे घर है ये, तो उनकी लाइट है ये देखो इतनी दूर दूर जा करके। और बाकी जहाँ पर हमने कैंपिंग टेंट लगाया हुआ है यहाँ पे कुछ नहीं है, रात में पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है भाई, खतरनाक वाला सिस्टम है। अभी फिलहाल जो है पूरा का पूरा कैंपिंग टेंट के अंदर सामान रख लिया है मैंने, तो कुछ मेरा वाला सामान यहाँ पे रखा हुआ है, भाई का भी सब इधर आ गया, कुछ किस तरह से कैंपिंग टेंट है। बाकी जो है फिलहाल अभी सोते हैं, थक गए काफी ज्यादा, कल मिलेंगे आपसे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा, ये सीरीज काफी ज्यादा आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, इसको वायरल करने में मेरी ज्यादा से ज्यादा आप लोग हेल्प करना। और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।